कोरोना वायरस ने खतरे की घंटियां बजा दी। मुल्क में एक ही दिन में रिकॉर्ड 4,131 केसेस, तादाद 80,500 के करीब हो गई। कोरोना मजीद 67 जाने ले गया। हलाकतों की तादाद 1,688 हो गई। सिविल अस्पताल कराची के साबिक डॉक्टर जहूर शेख शहीद। हैदराबाद में भी एक डॉक्टर कोरोना से जंग हार गया। अवामी नुमाइंदे भी कोरोना का शिकार होने लगे। लीगी रुकने पंजाब असेंबली शौकत चीमा कोरोना से इंतकाल कर गए। पीकेएलआई में वेंटिलेटर पर थे। शौकत चीमा मुसलसल 3 बार एमपीए मुंतखब हुए। पीटीआई के रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मियां जमशेद काका खेल भी जाम बहक। लाहौर पुलिस का एक और अफसर कोरोना वायरस से शहीद। सब इंस्पेक्टर खालिद खान को टेस्ट पॉजिटिव आने पर करंटीना सेंटर मुंतकिल किया गया था। एक डीएसपी और 3 अहलकार पहले ही जान की बाजी हार चुके। इस्लामाबाद पुलिस के मजीद 45 अफसर और अहलकार कोरोना से मुतासर। कोरोना के बढ़ते केसेस से वफाकी हुकूमत परेशान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कोरोना से मुतालिक इजलास। एसओपीज़ पर अमल दरामद के लिए सख्त इकदामात का फैसला। वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं एसओपीज़ पर अमल ना हुआ तो हुकूमत सख्त लॉकडाउन पर मजबूर हो जाएगी। पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन को फारिग करने की तैयारियां। ईसीसी ने स्टील मिल्स के 9,000 से ज्यादा मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देने की असूली मंजूरी दे दी। गोल्डन हैंडशेक दिए जाने वाले मुलाजमीन को तमाम वाजिबात फौरी अदा किए जाएंगे। के किफायतशारी के दावे ही रहे। पंजाब में पाबंदी के बावजूद 350 नई गाड़ियां खरीद ली गई। स्ट्रेटजी कमेटी ने गाड़ियों की खरीदारी पर आई पाबंदी के बावजूद गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दी। लाहौर हाईकोर्ट ने नैब को शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक दिया। शहबाज शरीफ की 17 जून तक पूरी जमानत मंजूर। पुलिस रुकावटों के बावजूद ऑपोजिशन लीडर की हाईकोर्ट में एंट्री। जमानत मिलने पर अदालत के शुक्रगुजार। कहते हैं नैब न्यायाधी का जोड़ इंसाफ की धज्जियां बिखेर रहा है। नैब ने शहबाज शरीफ को 9 जून को दोबारा तलब कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट के इर्द गिर्द पुलिस के कड़े पहरे। जगह जगह रुकावटें। लीगी रहनुमा और कारकुनों को अदालत जाने से रोकने की कोशिश। अहलकारों ने राणा सनाउल्ला को भी काफी देर तक रोके रखा। गाड़ी की तलाशी। वकला की मुदाखलत के बाद जाने की इजाजत दी गई। हाईकोर्ट रजिस्ट्रार के हुक्म पर रुकावटें खत्म की गयी। शहबाज शरीफ साहब ने सब कुछ नैब को दे दिया है। जो कुछ और मांगेंगे वो भी दे देंगे। और हमारी डिमांड ये है कि जब नैब तफ्तीश करे तो इसी तरह कैमरे वहां लगाकर तफ्तीश करे ताकि हकायक पाकिस्तान के अवाम के सामने आए। जब इदारे बदनीयति पर उतर आए तो मुल्क खोखला होता है। शायद खाकान अब्बासी का पारा हाई। एहसन इकबाल बोले हुकूमत अपनी नाकामियां छुपाने की कोशिश कर रही है। मरियम औरंगजेब ने कहा इस वक्त अवाम दुश्मन और चोर हुकूमत मुसल्लत है। वजीर आला सिंह भी नैब के रिडार पर आ गए। नैब रावलपिंडी ने सोलर लाइट्स और जाली अकाउंट्स केस में कल तलब कर लिया। मुराद अली शाह का नैब में पेश होने का फैसला। पाकिस्तानी कानून में जज पर जायदाद जाहिर करने पर पाबंदी नहीं। जस्टिस काजी फाइजीसा पर करप्शन और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का कोई इल्जाम नहीं। एलिया के नाम जायदाद को छुपाया नहीं गया। टैक्स रिटर्न जाहिर ना करने पर जज पर आर्टिकल 209 लागू नहीं होता। पूरी रियासती मशीनरी इस्तेमाल करने के बावजूद हुकूमत को कुछ नहीं मिला। कानूनी तरीके से पैसा बाहर भेजना मनी लॉन्ड्रिंग नहीं। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। माजी क्या है? उसे जस्टिस काजी फाइज के नाम का पता कैसे चला? उसे तो नाम के स्पेलिंग भी नहीं आते होंगे।
क्या वही डोगर की शिकायत से पहले इसके क्वाइफ का जायजा लेना जरूरी नहीं था? क्या इंक्वायरी के लिए सदर मुमलिकत की इजाजत जरूरी नहीं थी? इस मुल्क में बहुत से काम गैब से होते हैं। जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को पेशावर मेट्रो मंसूबे की तहकीकात जारी रखने की हिदायत कर दी। मंसूबे की शफाफियत का जायजा लेंगे। तामीराती ठेका कैसे दिया गया? कहीं ये मफादात का टकराव तो नहीं? कहीं हुकूमत ने अधूरे मंसूबे पर अरबों रुपए तो खर्च नहीं कर दिए? मंसूबे में गलतियों के अजाले का मामला भी देखेंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। हमारे साथी हाजी गुलाम मुर्तजा बलोच, उनका कल शाम को इंतकाल हो गया। अभी कई लोगों ने दुआ भी नहीं की होगी उनके लिए जाके। आज दिल खुश नहीं है काफ़ी चीज़ों की वजह से। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता अभी, उस वक्त ज़रूर मैं बोलूँगा। आई स्पीक माई हार्ट आउट एंड आई टेल ऑल। खैर मैं सर अभी नहीं बोलता ज़्यादा, मैं बाद में बोलूँगा जो कुछ बोलना होगा मुझे। सिंध असेंबली में शहीद अंसार नकवी के लिए फातिहा ख्वानी। मुराद अली शाह का मुर्तजा बलोच को जबरदस्त खिराज अकीदत। इजहार ख्याल करते हुए आप दीदा हो गए। कहते हैं कोरोना हमारे प्यारे छीन रहा है, कोरोना से लड़ना नहीं बचना होगा। तैयारा हादसे में शहीद एयर होस्टेस अनम खान लाहौर में सपुर्द खाक। नमाजी जनाजा में अकीद अकारबा और अहले इलाका की शिरकत। शहीद मुसाफिर फातिमा की भी लाहौर में नमाजी जनाजा अदा। कराची समेत सिंध भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया चल पड़ा। ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट सर्विस भी बहाल। दो सीटों पर एक मुसाफिर सवार। ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के लिए मास्क और ग्लव्स पहनना जरूरी। सस्ता पेट्रोल ढूंढने से नहीं मिल रहा। कराची और लाहौर समेत कई शहरों में पेट्रोल गायब। बेशतर इलाकों में ब्लैक में फरोख्त। पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी कतारें। कोरोना वायरस ने खतरे की घंटियां बजा दी। मुल्क में एक ही दिन में रिकॉर्ड 4131 केसेस। तादाद 80,500 के करीब हो गई। कोरोना मजीद 67 जाने ले गया। हलाकतों की तादाद 1688 हो गई। सिविल अस्पताल कराची के साबिक डॉक्टर जहूर शेख शहीद। हैदराबाद में भी एक डॉक्टर कोरोना से जंग हार गया। अवामी नुमाइंदे भी कोरोना का शिकार होने लगे। लीगी रुकने पंजाब असेंबली शौकत चीमा कोरोना से इंतकाल कर गए। पीकेएलआई में वेंटिलेटर पर थे। शौकत चीमा मुसलसल 3 बार एमपीए मुंतखब हुए। पीटीआई के रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मियां जमशेद काका खेल भी जाम बहक। लाहौर पुलिस का एक और अफसर कोरोना वायरस से शहीद। सब इंस्पेक्टर खालिद खान को टेस्ट पॉजिटिव आने पर करंटीना सेंटर मुंतकिल किया गया था। एक डीएसपी और 3 अहलकार पहले ही जान की बाजी हार चुके। इस्लामाबाद पुलिस के मजीद 45 अफसर और अहलकार कोरोना से मुतासर। कोरोना के बढ़ते केसेस से वफाकी हुकूमत परेशान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत कोरोना से मुतालिक इजलास। एसओपीज़ पर अमल दरामद के लिए सख्त इकदामात का फैसला। वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं एसओपीज़ पर अमल ना हुआ तो हुकूमत सख्त लॉकडाउन पर मजबूर हो जाएगी। पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन को फारिग करने की तैयारियां। ईसीसी ने स्टील मिल्स के 9,000 से जायद मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देने की असूली मंजूरी दे दी। गोल्डन हैंडशेक दिए जाने वाले मुलाजमीन को तमाम वाजिबात फौरी अदा किए जाएंगे। हुकूमत के किफायतशारी के दावे ही रहे। पंजाब में पाबंदी के बावजूद 350 नई गाड़ियां खरीद ली गईं। स्ट्रेटजी कमेटी ने गाड़ियों की खरीदारी पर आए पाबंदी के बावजूद गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दी। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में बादल बरसने को तैयार। लाड़काना जैकबाबाद उमरकोट में भी बादल बरसेंगे। मर्दान पेशावर समावी वजीरिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ बयानबाजी शुएब अख्तर को महंगी पड़ गई। एफआईए साइबर क्राइम विंग ने साबिक क्रिकेटर को 5 जून को बुला लिया। किंग ऑफ द रिंग लेजेंड बॉक्सर मोहम्मद अली को पिछले 4 बरस बीत गए। 61 फाइट्स में से 56 में कामयाब रहे। 1960 में रोम ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर बॉक्सिंग की दुनिया में अपना लोहा मनवाया। और स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम 54 बरस के हो गए। आईसीसी, पीसीबी और क्रिकेटर्स की जानिब से लेजेंड को मुबारकबाद।